नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल के सेकंड वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को बेसिकली तीन पर्सपेक्टिव से डिवाइड किया गया है। तीन पर्सपेक्टिव से मेरा मतलब है कि तीन नज़रिए से, तीन बेसिस से कंप्यूटर को बांटा गया है कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो जो सबसे पहले हम देख रहे हैं कंप्यूटर का बेसिस, जिससे कि उसका क्लासिफिकेशन किया जाए, वो है वर्किंग के आधार पर, कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। ओके, तो वर्किंग के आधार पर कंप्यूटर को तीन तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं। तीन तरीकों में बांटा गया है कंप्यूटर को, बेस्ड ऑन वर्क, कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर के काम करने के अंदाज पे, काम करने के तरीके पे तीन तरीके को में बांटा गया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, इसको एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं और डिजिटल क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं पहले कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। आप समझिए कि आप जानते होंगे कि सिग्नल्स क्या होते हैं। ठीक है, सारे कंप्यूटर सिग्नल्स पे काम करते हैं। कंप्यूटर क्या, हर डिवाइस किसी न किसी तरह सिग्नल पे काम करती है, मोबाइल हो या कुछ भी हो। ठीक, तो सिग्नल ये जो है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, पहले इन दोनों में फर्क आप समझिए, फिर आपको आगे की बात समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। एनालॉग सिग्नल कैसा होता है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब अगर हम इस पर टाइम लें और इस पर वैल्यू लें, अगर ये y एक्सिस है, अगर ये x एक्सिस है और इस पर कुछ वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, और इस पर टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, तो हर टाइम के, हर इंटरवल के लिए इसकी कुछ वैल्यू चेंज होगी। ये कंटिन्यू, कहीं ब्रेक नहीं होती है, ये सिग्नल कंटिन्यूअस चलती है, कंटिन्यूअस चलती है, इसलिए इसको कहते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल, भी इसका नाम है कंटिन्यूअस, और इसी का नाम है एनालॉग सिग्नल। ठीक है, अब दूसरे टाइप के सिग्नल की बात करते हैं, डिजिटल सिग्नल। आगे जाकर इलेक्ट्रॉनिक में विकास हुआ तो एक नए तरीके का सिग्नल का विकास किया गया, जिसको कहते हैं डिजिटल सिग्नल। इसमें एक ही वैल्यू रहता है। देखिए, एनालॉग सिग्नल में क्या थे, बहुत सारे वैल्यूज़ के लेवल थे, 1, 2, 3, 4, 5, और इसके बीच वो कहीं भी सिग्नल आपका, कभी इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, कभी 2, कभी 3, कभी फिर से 2, ऐसे कम ज़्यादा हो सकती है। हर टाइम इंस्टेंट पर वैल्यू कुछ और हो सकती है, लेकिन डिजिटल सिग्नल में एक ही वैल्यू फिक्स है, या तो 0 या तो 1, दो ही वैल्यू होती है। तो अब या तो सिग्नल ये 0 लेवल पे रहेगा या तो 1 लेवल पे रहेगा, या तो 1 लेवल पे रहेगा या तो 0 पे, ऐसे ही सिग्नल चलेगा। यानी कि सिग्नल के अब दो ही कंडीशन है, या तो वो 0 रहेगा तो डायरेक्टली 1। देखिए आप, इसमें बीच में इस तरीके का लाइन नहीं होता कभी भी, कि इसके बीच में कुछ और वैल्यू है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सीधे 0 से वो सीधे 1 ही पे जाएगा और 1 से सीधे 0 पे आएगा, यानी कि इसकी दो ही पॉसिबिलिटी हो जाती है, या तो 0 या तो 1। तो ऐसे सिग्नल को कहते हैं डिजिटल सिग्नल। ठीक है, सिग्नल जब आप समझ गए, एक चीज और समझिए कि डिजिटल सिग्नल में दो ही लेवल होते हैं, 0, 1, तो ये बेस्ड है बाइनरी नंबर सिस्टम पे। ये बाइनरी सिस्टम को फॉलो करता है। बाइनरी सिस्टम में भी दो ही वैल्यू होते हैं, या तो 0 या तो 1। बाइनरी सिस्टम को हम आगे और डिटेल में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप समझिए कि बाइनरी सिस्टम में या तो 0 या तो 1, दो ही वैल्यू होती है, और डिजिटल सिग्नल भी केवल 0 या 1 पे ही के ही आधार पर काम करता है, इसलिए डिजिटल और बाइनरी एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, तो बात करते हैं वर्किंग के आधार पर कंप्यूटर के टाइप्स की। तो जो कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करता है, एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, उसे एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है, सीधी सी बात। ठीक है, क्योंकि वो, उसकी वर्किंग एनालॉग सिग्नल के आधार पर हो रही है, इसलिए उसको एनालॉग सिग्नल कहेंगे। जब वही कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल के आधार पर काम करने लगेगा या डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करेगा, तो वो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाने लगेगा। ठीक है, एनालॉग सिग्नल जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के आपने कंप्यूटर्स देखे, उस समय डिजिटल सिग्नल्स का विकास नहीं हुआ था, तब एनालॉग सिग्नल को ही कंप्यूटर प्रोसेस करते थे, इसलिए उन्हें उस टाइम के कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। आजकल भी वोल्टमीटर, एमीटर, ये सारे एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिस चीज़ को नाप रहे हैं, जैसे ये वोल्ट को नाप रहा है, ये करंट को नाप रहा है, वोल्टमीटर वोल्ट को नापता है, एमीटर करंट को नापता है। ठीक है, ये वोल्ट और करंट जो है वो कंटिन्यूअस चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं है कि अभी अभी है, अभी नहीं है, अभी है, ऐसा नहीं चलता।
एक कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस चीज़ों को नापने के लिए आज भी जो सिस्टम्स बनते हैं या कंप्यूटर्स बनते हैं वो एनालॉग ही होते हैं, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल आप समझ गए, जितनी भी चीज़ें डिजिटल सिग्नल पे काम करेंगी वो डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाती हैं, ठीक। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि हर चीज को बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में और आगे डिटेल में देखेंगे, फिलहाल कितना समझ लीजिए काफी है। और हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरीके के सिग्नल को प्रोसेस कर लेते हैं, इन्हें कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है। देखिए सजेस्ट ए गुड मिक्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, बस इतना इनफ है इस कैटेगरी को जानने के लिए। आगे चलते हैं हम, दूसरा जो कैटेगराइजेशन है कंप्यूटर का वो है बेस्ड ऑन पर्पस। अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें कि कंप्यूटर किस यूज के लिए बना है, इस कंप्यूटर को बनाने का पर्पस क्या है, तो पर्पस के आधार पर अगर हम कंप्यूटर को क्लासिफिकेशन करें तो कंप्यूटर दो तरीके का होता है, एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर के एग्जांपल्स आपने देखे हैं, आपके पास जो भी लैपटॉप या पीसी होगा वो सब जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर से मतलब क्या है कि ये लगभग सारे काम कर लेता है, आपके दैनिक जीवनचर्या के जितने भी काम होते हैं, ये लेटर भी लिख सकता है, ये एक्सेल सीट भी बना सकता है, ये थोड़े पावर प्रेजेंटेशन भी बना सकता है, ये थोड़ा इमेज को भी मॉडिफिकेशन कर सकता है, थोड़े वीडियो पे भी काम कर सकता है, थोड़ा ऑडियो पे भी काम कर सकता है, तो ये नॉर्मली सारे तरीके के काम ये कर सकता है, इसलिए इसका नाम है जनरल पर्पस। जनरल पर्पस के सारे काम ये करता है इसलिए इसका नाम है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, ठीक है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स क्या होते हैं, वो कंप्यूटर जो किसी खास पर्पस के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनका एक ही मकसद है, जो केवल वही काम कर पाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, क्योंकि ये खास स्पेशल पर्पस के लिए बने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंप्यूटर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बनाए जाते हैं, खाली उनका एक ही काम है ओनली ट्रैफिक को कंट्रोल करना, वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। नेविगेशन सिस्टम में जो एयरक्राफ्ट का जो नेविगेशन करता है वो कंप्यूटर केवल उसी के लिए बना है, डेडिकेटेड है, वो केवल नेविगेशन का ही काम करेगा। वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बनाए जाते हैं जो केवल वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह सैटेलाइट लॉन्च ट्रैकिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन से तमाम आपके पास एग्जांपल्स हैं जो फिक्स हैं, इसी खास प्रोसेस के लिए बने हैं, उन्हें कहते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये दूसरा कैटेगराइजेशन हो गया। अब तीसरा जो कैटेगराइजेशन का आधार है हमारा वो है मेमोरी साइज एंड परफॉर्मेंस। कंप्यूटर का मेमोरी साइज कितना है और परफॉर्मेंस कितना है, कैसा है, उसके आधार पर भी कंप्यूटर को बांटा गया। ये तीसरा और लास्ट कैटेगराइजेशन है। जब हम इस दृष्टि से कंप्यूटर्स पे नजर लगाते हैं, नजर रखते हैं, नजर इस नजर से देखते हैं, तो हमें कंप्यूटर के तमाम वेराइटीज नजर आते हैं। तो उसमें जो पहला कंप्यूटर, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, आप यहाँ पर केवल मेमोरी साइज और परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, कई बार लिखा रहता है बेस्ड ऑन साइज, कई बार आप बुक देखोगे कई तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, सॉरी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बेस्ड ऑन साइज। तो इस साइज से आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि कंप्यूटर कितना बड़ा है उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन है, नहीं, कंप्यूटर कितना बड़ा है ये है उसमें जरूर है, साइज भी उसमें मैटर करती है, लेकिन मेन जो मैटर करती है वो है मेमोरी साइज, उसके अंदर मेमोरी कितना है और उसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी बात हम आगे थोड़ा सा और करेंगे। आगे समझना बहुत आसान है, बट यहाँ मेमोरी साइज के बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। इस मेमोरी साइज से ये मतलब नहीं कि आपके हार्ड डिस्क, आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कितना लगा हुआ है, 5 TB का, 10 TB का, है ना, उससे मतलब नहीं। मेमोरी साइज का मतलब है आपके कंप्यूटर का रैम कितना है। कंप्यूटर में रैम जितना होगा, रैम को ही मेमोरी साइज कहा जाता है कंप्यूटर का, ठीक है। वो जो हार्ड डिस्क है वो स्टोरेज साइज कहलाता है, स्टोरेज साइज, नॉट मेमोरी साइज, ठीक है, ये कंफ्यूजन आप हटा लेना। तो मेमोरी साइज यानी कि रैम, अब आपको पता चल गया कि हम रैम की बात कर रहे हैं अगर मेमोरी साइज की बात करें, तो इन सब के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है मेनली तीन कैटेगरी में। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी चार कैटेगरी में, हम आगे देखेंगे। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट टाइप का कंप्यूटर, आपको आप इसको मान लीजिए सबसे स्मॉलेस्ट, माइक्रो नाम से ही पता चलता है सबसे छोटा। इसमें एक ही चिप पर, कल हमने आईसी की बात की थी, एक ही आईसी में सारे कंपोनेंट्स इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं, मतलब एक आईसी में सारा कंप्यूटर का सारा सिस्टम इनबिल्ट हो जाता है। इसके कारण इसकी साइज बहुत छोटी हो जाती है, इसलिए इसका नाम है माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर में बहुत सारे कंप्यूटर्स आते हैं, आपका जो पीसी यूज करते हैं आप जो लैपटॉप यूज करते हैं, ठीक है, आप जो मोबाइल्स यूज करते हैं, वो भी एक टाइप का मोबाइल एक कंप्यूटर है। पहले पीडीए आता था, आजकल भी आता है बट इसका यूज बहुत कम हो गया, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, इसको हैंड हेल्ड डिवाइस भी कहते हैं, हैंड
हेल्ड डिवाइस, ध्यान रखना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से कौन हैंड हेल्ड डिवाइस है, तो मोबाइल और पीडीए सब हैंड हेल्ड डिवाइस में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हैंड में रख सकते हैं, हम हैंड में होल्ड करके चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं हैंड हेल्ड डिवाइस। ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर की और खासियत क्या है? इनका जो मेमोरी है वो कम होता है, इनका परफॉर्मेंस यानी कि इनकी जो स्पीड होती है प्रोसेसिंग स्पीड वो थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी नहीं बहुत कम होती है, ठीक है, तो इसलिए इनका नाम है माइक्रो कंप्यूटर। ओके, ये अब चूंकि इनके मेमोरी कम होता है और इनका प्रोसेसिंग पावर कम होता है तो थोड़े ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, ये लिखा हुआ इनएक्सपेंसिव, इनका खर्चा कम आता है, थोड़े सस्ते होते हैं, इसी कारण सबके घर में पीसी लैपटॉप आ चुके हैं क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, ठीक है। और बहुत वाइडली अवेलेबल जो माइक्रो कंप्यूटर्स, उसमें आप ये देख लेना IBM सबसे ज़्यादा बनाता है, एप्पल का मैक भी लैपटॉप बनाता है आपको पता है, इसके अलावा HP बनाता है, डेल भी बनाता है, ये सब आपको पता है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप दिमाग में रखना माइक्रो कंप्यूटर क्या है, वहाँ से आपको अगर ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए इससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर दूसरा जो कैटेगरी है साइज और परफॉर्मेंस के आधार पर वो है मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है, किस आधार पर? देखो इसका साइज मिड साइज होता है, उतना छोटा नहीं होता, बट कई बार आपको ऐसे मिनी कंप्यूटर भी मिलेंगे जो एकदम आपको माइक्रो कंप्यूटर जितने बड़े होंगे। तो हम केवल साइज के आधार पर मिनी कंप्यूटर को कैटेगराइज नहीं कर सकते। मिनी कंप्यूटर में मेनली जो डिफरेंस है वो है मेमोरी साइज इसका बहुत बड़ा होता है, जो मेमोरी साइज है यानी कि जो रैम है इसका ये ज्यादा होता है। जैसे हमारे जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर उसमें 4 GB 8 GB बहुत है, इसमें लगभग 32 GB है ना, 64 GB ऐसे रैम्स यूज किए जाते हैं मिनी कंप्यूटर में। इनका पावर और इनका जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। और आप देखो, आप देखकर ये देखकर आप खुद बखुद जान जाओगे कि ये कम एक बार में 200 से ज्यादा यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है, 200 और 200 से ज्यादा यूजर्स इस पे एक साथ काम कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर पे। और माइक्रो कंप्यूटर क्या था, उसमें एक बार में एक ही यूजर काम करता था, करता क्या, आपके पास तो है वो लैपटॉप पीसी तो आपने देखा होगा, आप जानते हैं उसमें एक बार में एक ही यूजर काम करता है, लेकिन मिनी कंप्यूटर्स पे एक बार में 200 और 200 से ज्यादा यूजर्स काम कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिनी कंप्यूटर। ओके, इसके अलावा ये आप यहां से नाम देख सकते हो हनीवेल, इस कई बार ये पूछा जाता है हनीवेल से, हनीवेल किस टाइप का कंप्यूटर है, हनीवेल मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। तो आप यहां से कुछ नाम पढ़ लेना, ये सारे नाम हो सकता है आपके काम आए, मिनी कंप्यूटर के ये एग्जांपल्स हैं। उसके बाद जो तीसरा कैटेगरी है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज में और प्रोसेसिंग में मिनी कंप्यूटर से भी बड़ा होता है, इसमें और भी ज्यादा रैम होते हैं, इसका प्रोसेसिंग पावर और भी ज्यादा पावरफुल होता है, स्पीड इसकी और ज़्यादा होती है। देखो स्पीड की बात हमने कल की थी, स्पीड का मतलब क्या है कि ये कितनी जल्दी प्रोसेसिंग कर पाता है, और यहीं से जनरेट होता है प्रोसेसिंग पावर, जो जितना ज़्यादा प्रोसेस करे उसे प्रोसेसिंग पावर, उस वो ज़्यादा कैपेबल ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर वाला कंप्यूटर हो जाता है। तो मेन फ्रेम को कई बार बिग आयरन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, बिग आयरन कहा जाता है। और मेन फ्रेम नाम आते ही समझ जाना कि ये साइज में भी बड़ा होगा मिनी कंप्यूटर से, माइक्रो कंप्यूटर से, और मेमोरी में भी, रैम में भी बड़ा होगा और पावर में भी बड़ा होगा, इस जो अपनी प्रोसेसिंग स्पीड है उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है उन सब में ये उन दोनों पिछले जो आपने पढ़ा उसमें बड़ा होगा, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर मेनली किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, सर्वर के लिए। क्यों? जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सर्वर पे होता है, जहां से आप उसको एक्सेस करते हैं, वो सर्वर उस वेबसाइट का डिटेल पेज सब आपको भेजता है। तो आप ध्यान रखो कि आप ही एक, कई बार हम एप्लीकेशन भर रहे होते हैं, फॉर्म भर रहे होते हैं तो कहते हैं सर्वर डाउन हो गया, हम देखते हैं कि सर्वर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, वो पेज आ ही नहीं रहा, या फॉर्म सबमिट किए वो जा ही नहीं रहा। ये क्यों होता है? जब सर्वर पे एक साथ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट चले जाते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा से मतलब ये नहीं कि 10 चलेगा या 15 चलेगा, ये सर्वर यानी कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है एक बार में लगभग बिलियंस, कई मेन फ्रेम ऐसे हैं जो बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं एक बार में, इतने पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, बहुत जल्दी ये खराब नहीं होते, इनके पास हाई रिलायबिलिटी होती है, हाई सिक्योरिटी होती है, इनके पास एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट फैसिलिटी होता है, यानी कि जो आप रिक्वेस्ट भेजते हो और ये जो आपको रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है ये इसका इनपुट आउटपुट फैसिलिटी हुआ, आपने इनपुट दिया ये आउटपुट या इसने आउटपुट दिया, तो ये सारे काम बहुत हाई लेवल पर कर सकता है ये, ठीक है। तो ये मेन फ्रेम हुआ जो कि साइज में और परफॉर्मेंस में, मेमोरी साइज में मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से बहुत बड़ा होता है, और दूसरी बात कि इसकी साइज भी बड़ी होती है, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं लास्ट हमारे इस टाइप के कैटेगरी में, सुपर कंप्यूटर। साइज और परफॉर्मेंस के आधार पर सबसे लास्ट आता है सुपर कंप्यूटर। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स हैं, या सुपर कंप्यूटर उस सुपर कंप्यूटर जो टर्म है वो उसके लिए यूज किया जाता है, ऐसा कंप्यूटर जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, जो अपने कैटेगरी में सबसे ज्यादा फास्ट हो। जितने भी कंप्यूटर आपने देखे उन सब में सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। और आपने पढ़ा भी होगा कि इस देश ने ये सुपर कंप्यूटर बनाया, उस देश ने वो सुपर कंप्यूटर बनाया। तो इंडिया के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम। परम सीरीज के कंप्यूटर्स हैं जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर क्या काम करते हैं? सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी ज़्यादा होती है, ये बहुत फास्ट होता है, इसकी मेमोरी, इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसके साथ साथ ये साइज में भी बहुत बड़ा होता है। कमरे के बराबर ये होता है, कमरे का एक दो तीन कमरे, एक बहुत बड़ा एक छोटा सा फ्लैट आ सकता है जितना बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर खास तरीके से क्यों प्रयोग किए जाते हैं, ये बहुत क्रिटिकल जहां पे डेटा प्रोसेसिंग होती है, हाईली क्रिटिकल डेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जहां प्रिसीजन चाहिए एकदम, 0.00001 भी डिफरेंस आ गया तो बहुत बड़ा उससे अंतर पड़ सकता है, उस टाइप के कैलकुलेशंस में इस तरीके के सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर की मदद से नए नए दवा की खोज की जा सकती है, नए नए सिमुलेशंस किए जा सकते हैं, नई समुद्र के अंदर की चीज़ों की जानकारी और सैटेलाइट और उपग्रह की जो भी जानकारियां हैं उन सबको प्रोसेस करने में सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। और आप ये ध्यान रखना कि परम को बनाया है सीडैक ने, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक। ये परम नाम का हमारा इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, ये वाला मत पढ़ना आप अभी, ये नहीं, अभी जापान का सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा नंबर वन, मतलब द फर्स्ट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है नंबर वन पे, वो है जापान का, ठीक है। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर की ये जो कैटेगरी है ये भी इसी कैटेगरी में है, साइज और परफॉर्मेंस के आधार पर। बट मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स हमने पढ़ा है उसी, कई बार उसी की तरह सिनोनिम के फॉर्म में पर्सनल कंप्यूटर को प्रयोग किया जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर कोई अलग से कंप्यूटर नहीं, ये भी एक टाइप का माइक्रो कंप्यूटर ही है। ये छोटा होता है, स्मॉल होता है, पोर्टेबल होता है, इसकी प्रोसेसिंग पावर मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से बहुत कम होती है। ये सस्ता होता है, ठीक है। इसका सीपीयू एक ही चिप पर इनबिल्ट होता है, मैंने पहले ही बता दिया, और ये बहुत तरीके के काम कर सकता है, ठीक है। पर्सनल एक व्यक्ति से रिलेटेड, क्योंकि इस पर एक यूजर, मेनली एक ही यूजर काम करते हैं, इसलिए इसका कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के काम का होता है ये, इसलिए इसका नाम है पर्सनल, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। तो पर्सनल कंप्यूटर भी बहुत तरीके के होते हैं, डेस्कटॉप होता है, नोटबुक होता है, टावर मॉडल आप मत समझो। आजकल एक कंप्यूटर आ रहा है जिसमें एक ही बॉक्स में मदरबोर्ड है, सब कुछ है, रैम वैम सब लगा रहता है, और इसी पर मॉनिटर भी लगा रहता है, इसको कहते हैं टावर मॉडल। तो ये कोई मॉडल है, ये कोई कंप्यूटर नहीं है। डेस्कटॉप आप जानते हैं, मतलब ये तरीके हैं किस तरीके से पर्सनल कंप्यूटर बनाए जाते हैं, ठीक है। नोटबुक को लैपटॉप और नोटबुक, इस कई बार इसको अलग अलग करके रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बट आप ध्यान रखना कि कभी एक डिफरेंस रहा होगा नोटबुक और लैपटॉप में, बट आज के डेट में नोटबुक और लैपटॉप दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल इनमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है, एकदम सेम है। देखो, लैपटॉप आर नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर्स, लिखा है ना, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो नोटबुक का प्रॉपर्टी होगा वही लैपटॉप का प्रॉपर्टी होगा। लैपटॉप इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको आप अपने पाँव पे, लैप पे रख के चला सकते हो, इतना लाइट वेट होता है और इतना पोर्टेबल होता है बस। और ये भी एक सब नोटबुक टाइप का कंप्यूटर होता है, जो कि इसमें ये छोटा, आप टैब की बात कर लो, टैब इसमें आ जाते हैं। टैब में आजकल क्या आता है, छोटा सा एक कीबोर्ड लगा आता है इसमें, इसके कवर के साथ, कवर में इसमें कीबोर्ड भी है, आप यहाँ पे बटन दबाइए ये काम करेगा। तो उसको सब नोटबुक कहते, कंप्यूटर कहते हैं। लगता है ये लैपटॉप जैसा है लेकिन ये होता नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका टोटल कैटेगराइजेशन। इसके अलावा भी देखो और भी थे, हैंड हेल्ड कंप्यूटर की मैंने बात पहले ही कह दी, पाम टॉप, पीडीए, स्मार्टफोन, ये सब हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको कंप्यूटर की कैटेगरीज आज समझ में आ गई होंगी, कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं ये डायरेक्टली कहना ठीक नहीं होता है, कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं ये हम तब बता सकते हैं कि हम किस आधार पर कंप्यूटर की कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। आई होप आपको ये कैटेगराइजेशन समझ में आया होगा। कल हम इसके आगे देखेंगे,
कल हम कुछ नई चीज़ें कंप्यूटर के बारे में देखेंगे, आर्किटेक्चर कंप्यूटर का समझेंगे। अगर अभी तक जो हमने पिछले दिन के क्लास में पढ़ा और आज के क्लास में पढ़ा, अगर आपको कहीं कोई डाउट है, कहीं कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।